हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको हम दिखाते हैं कि जीरो बजट में गार्डनिंग कैसे करते हैं। तो वो हम आपको अपने लखनऊ के गार्डन में दिखाएंगे। तो ये मेरा सेकंड गार्डन है और मेरा जो फर्स्ट गार्डन है तो वो आपने देखा ही है। तो मैं 2 दिन से लखनऊ में ही हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने कौन कौन से वर्क किए हैं फ्रेंड्स। तो आने के बाद मैंने एक वीडियो दिखाया था आपको, तो आपने देखा था कि सारे एकदम जंगल जैसे यहाँ का लुक था। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे ही वेस्ट और कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं ये सब। मैं टहलने जाती हूँ और यहीं से लखनऊ में ही और यहीं से कटिंग ले लेके लगा लेती हूँ। तो देखिए, ये गुलाब की कटिंग मैंने लगाया है और इसको कट कर दिया है आते ही, तो ये लग गया है। और ये जेरेनियम है, ये मैं हिमाचल प्रदेश से लाई थी, ये भी लग गया है। और ये कोलियस है, ये भी लग गया है। और ये टर्टल हार्ट है, ये मैं नर्सरी से एक इतनी छोटी सी कटिंग लेके आई थी फ्रेंड्स। और ये देखिए, जंगल का रूप ले लिया है। और ये स्नेक प्लांट की भी कटिंग हमने लगाया था और देखिए कितना ये लगा हुआ है। और ये भी देखिए फ्रेंड्स आप, रेन लिली है, ये भी मैं टहलने गई थी तो वहाँ से ही लेके आई थी, ये भी लग गया है। और ये भी जेरेनियम है, ये भी इसमें लगा हुआ है। और ये मैं कल जौनपुर से लेके आई थी जेट प्लांट, ये भी लगा है। और यहाँ ज़मीन पे मीठी नीम अपने से निकला है और रेन लिली लगा हुआ है। और इधर स्नेक प्लांट है। और इधर देखिए फ्रेंड्स, इस छोटे से बॉटल में स्नेक प्लांट, ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। तो जिन भाई बहनों से कटिंग वगैरह नहीं लगता है तो इस तरीके से वो देखिए कितनी ज़बरदस्त रूटिंग हुई है छोटे से इस बॉटल में फ्रेंड्स। मैं डाल के चली गई थी, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसमें मैंने तो ये कल डाल दिया है टर्टल हार्ट को। और ये पर्पल हार्ट को भी मैंने बगल से ही लिया है। और इसमें ये देखिए, ये भी सोलन से ही लाई थी, इसका नाम भूल रही हूँ। और इसमें पर्पल हार्ट ये सब लगा हुआ है फ्रेंड्स। और ये भी शहतूत का प्लांट है, आप देख सकते हैं कितना हेल्दी है। और मैंने इसकी कटिंग कर दिया और ये भी मैंने अपने बगल से ही कटिंग को लेकर लगाया हुआ था। और इसे मैंने अभी अभी पानी में प्रोपोगेशन किया है टर्टल हार्ट को। और यहाँ भी रेन लिली देखिए लगा हुआ है और इसमें केला लगा हुआ है। और इधर देखिए, सारे वेस्ट में जो हम यूज करते हैं उसमें हम ये सब प्लांट सिंगोनियम को लगा दिए हैं, उसमें पर्पल हार्ट, इसमें सारे देखिए वेस्ट ही है फ्रेंड्स। मैं आपको हटा के ये दिखा रही हूँ, देखिए इसमें अजवाइन प्लांट, इसमें मैंने एलोवेरा लगा दिया है और इसमें मैंने कैना लिली को लगा दिया है फ्रेंड्स। और ये देखिए स्नेक प्लांट, और ये देखिए इधर से ग्रो बैग को फाड़ के ये निकला हुआ है फ्रेंड्स। और इधर देखिए सीड से ये सब नींबू का प्लांट निकला हुआ है। और ये रेन लिली वाइट वाला है फ्रेंड्स। और इसमें आज मैंने जेड प्लांट को लगा दिया है और ये मैं जौनपुर से लेके आई थी। और सारे ये बॉटल्स में लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो फ्री के प्लांट, फ्री के पॉट फ्रेंड्स। और ये एक दो ख़रीदा हुआ है। और ये भी देखिए वेस्ट ही है। और देखिए इसमें कितने अच्छे से ये अजवाइन का प्लांट और पर्पल हार्ट लगा हुआ है फ्रेंड्स। और ये सारे स्टोन को पेंट करके देखिए, मैंने भी कुछ पेंट किया है और मेरी बेटी ने भी पेंट किया है। और ये फ्री के ही पाइनएप्पल का कटिंग था, इसमें मैंने लगा दिया है फ्रेंड्स। और इधर भी देख लेते हैं, बुद्धा प्लांटर 2 मैंने लिया हुआ था और इधर भी देखिए पाइनएप्पल कटिंग से लगा हुआ है। इधर अजवाइन का प्लांट इसमें भी, और इसमें टर्टल हार्ट, और इसमें भी अजवाइन का प्लांट और पर्पल हार्ट लगा हुआ है। और ये देखिए बालू में भोले बाबा निकले थे तो यहाँ मैं रख के पूजा करती हूँ। और इधर भी ये देखिए, मैं टहलने जब जाती थी तो शहीद पथ से वहाँ पे सड़क पे ही लगा हुआ था तो कैना लिली को मैंने ये लिया था, देखिए कितना ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ का गार्डन बनाया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और एक दिन में ही ये कितना खूबसूरत लगने लगे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैंने क्या आज और किया दिखाती हूँ। तो गुड़हल पर इतने कीड़े लगे हुए थे फ्रेंड्स, सभी की पत्तियों को हटा के, और मैंने देखिए सब पे स्प्रे से हटा दिया है सारे कीड़े को अभी। और अब मैं इस पर होममेड फर्टिलाइज़र को बना के डाल दूँगी फ्रेंड्स। तो एक दिन में आने पे ही इतना अच्छा ये मेरा गार्डन लग रहा है। और इधर देखिए मैक्सिकन पिटोनिया है,
ये जो पर्पल कलर का है फ्रेंड्स। तो फ्री के प्लांट, फ्री के पॉट, सारे फ्री के ही हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप गार्डनिंग करें, फ्री के ही प्लांट से, फ्री के ही पॉट से, आप देख सकते हैं। और इधर भी देखिए, मैंने इस पर भी पानी में रख के प्लांट को लगा दिया है। इसमें देखिए सिंगोनियम को लगाया है, इसमें टर्टल हार्ट को, उसमें मनी प्लांट को, उसमें सिंगोनियम, और वहाँ पे भी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम गार्डनिंग करते हैं, और देखिए कितना खूबसूरत लगता है। तो आप भी इस तरीके से गार्डनिंग कीजिए फ्रेंड्स फ्री का, और देख सकते हैं कि एक दिन में ही कितने खूबसूरत मेरे ये गार्डन दिख रहे हैं। तो फिर अभी तो रहूँगी फ्रेंड्स, तब तक मैं फिर जाऊँगी टहलने, तो ढेर सारे और कटिंग को लेके आऊँगी और ढेर सारे प्लांट को और ऐड करूँगी। और इतनी गर्मी में फ्रेंड्स आप चिड़ियों के लिए पानी दाना ज़रूर रखिए। देखिए मैंने उसमें चावल और उसमें पानी को रखा हुआ है चिड़ियों के लिए। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल गार्डन लग रहा है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा ये फ्री का पॉट और फ्री का प्लांट और मेरा इतना मेहनत फ्रेंड्स। और गुड़हल देखिए फ्रेंड्स, ये मिनी गुड़हल है, कितना ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और एक मैं दिखाना भूल गई, ये वाला देखिए, इस पर कितनी अच्छी कली भी आई हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी पत्तियों में इसकी चमक है। ये देखिए ये मिनी नहीं सॉरी ये डबल तो नहीं है फ्रेंड्स, सिंगल ही चांदनी का ये प्लांट है। और ये देखिए एक ऐसे लगा हुआ, और इधर देखिए सारे कटिंग लगे हुए हैं नींबू का। तो मैं गमला में किसी या ग्रो बैग में फ्रेंड्स इसको सीट कर दूंगी। तो देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी हेल्दी हैं और कितना चमक है। तो इस तरीके से गार्डनिंग हमें करना है फ्रेंड्स। और मैं ढेर सारा और लगाई थी लेकिन ख़राब हो गया। तो इस तरीके से कटिंग को लगाते रहें, कुछ लगेगा कुछ ख़राब होगा, चाहे कोई भी सीजन हो, हमेशा ही कटिंग को मैं लगाती रहती हूँ, कुछ लगता है कुछ नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी मेरी वीडियो फ्रेंड ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और ये देखिए थर्माकोल के डब्बे थे, इसमें मैंने पेंट करके इधर भी देखिए एक सेंटर में रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप गार्डनिंग कीजिए फ्रेंड्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉट ही ख़रीद के ले आएँ और प्लांट ख़रीद के ले आए हैं, एक से ही आप हज़ारों बना सकते हैं। एक महंगे प्लांट को आप नर्सरी से लेके आ जाइए, फिर उसी से डिवाइड कर करके ढेर सारे प्लांट को बना लीजिए। मैं तो फ्रेंड्स यहाँ से ही कटिंग ले लेके लगाई हूँ फ्रेंड्स। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। तो देखिए यहाँ से मेरी गार्डन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है फ्रेंड्स। तो जहाँ भी मैं रहती हूँ गार्डनिंग के बिना नहीं रह सकती, तो आते ही मैं इसमें लग गई, और कटिंग वगैरह करने के बाद देखिए कितना ब्यूटीफुल मेरा गार्डन साफ़ सुथरा दिख रहा है फ्रेंड्स। और जब अगर मैं यहाँ पे रहूँगी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस है। ये देखिए तो साइड साइड से ढेर सारे प्लांट्स को मैं यहाँ पर भी रख दूँगी और गार्डनिंग करूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे भी। देखिए कितने सारे प्लांट रखने के लिए जगह है गार्डनिंग के लिए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।